अमिता गोसलिया फ्रॉम मुंबई मटुंगा. इट्स वेरी नाइस. और हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे आए क्योंकि ऐसे सुनने में आया कि कल या परसों गार्डन बंद हो रहा है. आज भी दिख रहे हैं कि काफ़ी कलियां नहीं खिल पा रही है, ऐसे करके मुरझाई गई है. पहली बार कश्मीर आई हूँ और बहुत ही अच्छा लगा. ट्यूलिप गार्डन इज फैंटास्टिक, अमेजिंग, सुपर. थैंक. वेदर भी बहुत अच्छा है, थर्मल जरूर से पहनते हैं लेकिन इट्स फैंटास्टिक ऐसे करके. मैं और मेरी बेटी आए हुए हैं. क्या काम करते हैं? मैं आई एम वर्किंग इन नोबल केमिस्ट करके. तो किस के माध्यम से, कौन सी टूर एंड ट्रैवल कंपनी में आप? मैं पूजा टूर से आई हुई है. क्या सर्विस रही पूजा की ओर से? नहीं, बहुत ही अच्छा है. अभी तक तो पहला दिन ही है. कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, बट अब तक तो सब सही है. आगे भी सही होगा. जो लोग आपको देख रहे हैं मुंबई या भारत से या पूरी दुनिया से, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आपको? हाय, एटलीस्ट यू शुड विजिट वंस इन अ लाइफ टाइम. कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. जिंदगी में एक बार कश्मीर जरूर आया करो. हाँ, जिंदगी में एक बार जरूर जरूर आना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. ट्यूलिप गार्डन में सब तो क्या है? ट्यूलिप गार्डन में अरे बहुत बढ़िया, साल में 25 दिन ही जो खुलता है, लेकिन वही टाइम में हम आए हैं तो हम शुक्रगुजार हैं कि हम ये देख पाए. और बहुत अलग ही अजीब ही अलग ही दुनिया में है, ऐसा फीलिंग आ रहा है. बहुत बढ़िया है. जो कोई भी ये सीज़न में कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं, यही सीज़न में आना चाहिए. बहुत बढ़िया है. पूजा टूर एंड ट्रैवल की तरफ से क्या सर्विस रही? वो बहुत बढ़िया है. ये ट्यूलिप गार्डन तक हमको एकदम कन्वीनियंटली बढ़िया से लेके आए हैं और ट्यूलिप गार्डन मिस नहीं हो वो भी उन्होंने देखा है. यस यस. तो क्या मैसेज रहेंगे सर आपकी तरफ से? नहीं, सबको आना चाहिए पूजा टूर से ही.